नमस्कार, आप सितयोग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को दाऊदनगर प्रखंड के 11 पैक्सों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। बुधवार को उनके भाग्य का फैसला होगा। मंगलवार की सुबह 7 बजे से लेकर 4:30 तक 57 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह BDO मोहम्मद जफर इमाम ने बताया कि लगभग 58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 11 पैक्सों में मतदाताओं की कुल संख्या 36,343 थी। वहीं 20,840 मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया है। सुबह 9 बजे तक लगभग 15% तो 11 बजे तक 23%, 1 बजे तक 40.6% तो 3 बजे तक 52.12% और 4:30 तक करीब 58% वोट पड़े। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। सभी मतदान केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। इधर दाऊदनगर थाना अध्यक्ष फहीम आजाद खान, CO शैलेंद्र कुमार यादव पुलिस के बल के साथ मतदान केंद्रों पर घूमते हुए नजर आए। वहीं SDPO कुमार ऋषिराज ने भी कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक भ्रमणशील दिखे। देर रात तक बैलेट बॉक्स को डाइट तरार पुराना भवन में बनाए गए ब्रजगृह में जमा कर दिया गया था। वहीं इसी भवन में आज यानी बुधवार को मतगणना जारी है। आपको खबर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब